ভারতের লোকসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ চলছে। এ বিষয়ে আরো জানাতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শুভজিৎ পুততুণ্ড। শুভজিৎ, ভারতের 13টি রাজ্যের 68টি কেন্দ্রে নির্বাচন চলছে এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রায় 3টি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন চলছে। তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র, যে লোকসভার কেন্দ্রের ভূমিপুত্র, ভারতের সাবেক বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা এই মুহূর্তে চ্যানেল 24 এর পর্দায় রয়েছে এবং তিনি আজকে ভোট দিয়েছেন দার্জিলিং এ। স্যার, আপ দার্জিলিং এ আজ ভোট দিয়ে আপকা খুদ কা জায়গা হ্যায়, কেসা লাগ রাহা হ্যায় অর জনতা কো ক্যা বোল? আজকে নির্বাচনের জন্য আমার নিজের বাড়ি দার্জিলিং এ এসে আমি খুবই আনন্দিত। আজ আপ দেখ রহে কি চুনাব পর্ব কে অবসর পর ইস সেকেন্ড ফেজ চল রহা হ্যায় হামারে নির্বাচন কা, অর ইসমে কই কনস্টিটুয়েন্সিজ বঙ্গাল কে ভি শামিল হ্যায় অর বিশেষ রূপ সে দার্জিলিং কনস্টিটুয়েন্সি কা ভি আজ ভোট হ্যায়। তো ইস অবসর পর মানে সুবহ হি আপনা ভোট করা থা অর মানে দেখা কি কাফি লোক আ রহে থে ভোটিং কে লিয়ে। মুঝে উম্মীদ হ্যায় কি দার্জিলিং জেলা সে অর দার্জিলিং কনস্টিটুয়েন্সি সে হামারা বহুত আচ্ছা পার্টিসিপেশন হোগা, ভোটার টার্ন আউট কাফি হাই হোগা ইয়াহ পে অর লোগো কো আপনা লোকতান্ত্রিক অধিকার পুরি তরহ নিভায়েঙ্গে অর আপনা মতদান অবশ্য করেঙ্গে। স্যার, বেঙ্গল কো এক ট্রেন্ড হ্যায় চুনাও মে বহুত সারা হিংসা, আজ বালুরঘাট অর রায়গঞ্জ মে সুবহ সে থোড়া মোড়া হোড়া হ্যায় হিংসা, আপ কেসে দেখতে হ্যায় বেঙ্গল কা এ ট্রেডিশন? দেখিয়ে जो मैंने देखा है कि निर्वाचन कमीशन जो है भारत का, उन्होंने अच्छी तरह प्लान किया है ताकि काफी गैप है इलेक्शन फेजेस के बीच में, और इससे हमें ये हम ये कर पाते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और सुरक्षा के लिए पूरी तरह इंतजाम हो सकता है। और मुझे लगता है कि जो आपने पहले देखा होगा हिंसा, इस बार नहीं होगा ऐसा हिंसा। और पर बंगाल में एक आप ठीक ही कह रहे हैं कि यहाँ एक थोड़ा सा परंपरा है जो कि अच्छा नहीं है, मतलब हिंसा का जो पहले जो हुए थे, हिंसा के जो इंसिडेंट्स हुए थे वो हमें पूरी तरह कंट्रोल करना चाहिए, और इसीलिए हमारे लिए मतलब हमारे जनता के लिए ये सुरक्षा बहुत जरूरी है कि सेंट्रल फोर्सेस और जो न्यूट्रल फोर्सेस यहाँ आके, मतलब जो राज्य के फोर्स लॉ एंड ऑर्डर के मशीनरी के नहीं है वो आके थोड़ा सा सुरक्षित रखे। सर, बंगाल के बाहर अगर आप जाते तो आज देश में जो 88 कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन हो रहा है उसमें बहुत सारा वीआईपी, राहुल जी भी आज लड़ रहे हैं, आपका क्या लगता है वर्नर में रिजल्ट क्या होगा? नहीं देखिए, मुझे तो लगता है कि भारत के नागरिक खास तौर से हमारे युवाओं उनका जो मतदान होगा वो प्रगति के लिए होगा, विकास के लिए होगा, एक सशक्त नेतृत्व के लिए होगा, और भविष्य के लिए जो हमारे देश के लिए अच्छा है वो उसी प्रयास में अपना वोट भी डालेंगे। सर, मोदी जी बोल रहे चुनाव प्रचार में 400 पार अभी हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल, मोदी जी ने जब कहा है कि एनडीए सरकार 400 पार, तो 400 पार ही होगा। और मुझे लगता है जैसे मैंने कहा कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है, पर फिर भी जो आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं एक सरकार का और जो नेतृत्व दिखाया है हमारे देश में, उससे स्थापित होता है कि लोगों का कहाँ पे कॉन्फिडेंस है, किस तरफ है और कैसे मतलब वो वोट देंगे। सर, और एक सवाल, आप देखे तो पिछले 3 महीने से एक रूमर चल रहा था कि आप पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप आ रहे हैं, मगर एन मार्क पर आपका नाम नहीं आया, आपका एक्टिव पॉलिटिक्स में आएगा? नहीं देखिए, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं उम्मीदवार हूँ लोकसभा चुनाव या किसी और चुनाव में, ये तो मीडिया ने काफी कहा और विरोधी दल वगैरह ने भी कहा और
कई मतलब हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कहा, शायद उनको थोड़ा इनसिक्योरिटी भी महसूस हो रहा होगा उसमें, पर हमारा तो 40 साल मैंने देश के सेवा में काम किया है और अभी मैं जनता के हित में काम कर रहा हूँ। और हमारा डार्जिलिंग वेलफेयर सोसाइटी है जो कि काफी अच्छा काम किया है इस क्षेत्र में और इसका काम हम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। सर, एक लास्ट सवाल, बांग्लादेश में आप बहुत समय आपका भारत सरकार के लिए काम किए थे, तो बांग्लादेश का नागरिक के लिए कोई सूचना देना चाहेंगे? नहीं, हमारा संबंध भारत और बांग्लादेश का बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इनके बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भारत का विकास और प्रगति के लिए बांग्लादेश की जरूरत है और बांग्लादेश के प्रगति और विकास के लिए भी भारत की जरूरत है। तो শুভজিৎ, আপনাকে ধন্যবাদ। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুভজিৎ পুততুন্ড আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। 1-2-3 ঢাকায় জমি জিতেনি 100% ক্যাশব্যাক সহ 20 কোটি টাকার পুরস্কার।